One dial diagram or simple three bus power system is shown in the figure. You have to book the example in 9.1. Each generator is represented by an EMF behind a subtransient behind the transient reactance. ठीक है, जो आपको reactances की value दी हुई है, ये जैसे ये value दी हुई है, ये generator की है. अगर हम simple ये अगर इसको अगर आप बनाना चाहते हैं circuit को, तो ये circuit बिल्कुल ऐसे बना होगा. ये आपके पास सोर्स है और ये उसकी सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है. देन दिस इज अ ट्रांसफार्मर. ये आपके पास जो है वो ये पार्ट जो है ये विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस है और ये आपकी पास नंबर वन. ये पाथ आप देखें बनता है. अगर आप इसको सिंपल इस सर्किट को यहाँ पे बनाएं ऐसे, तो ये ग्राउंड सोर्स और ये रिएक्टेंस देन ट्रांसफार्मर. तो ट्रांसफार्मर को भी हम इसकी रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं देन बस नंबर वन. ठीक है, तो बाकी आगे आप देख सकते हैं. ये आप ये वैल्यू जो है दैट इज 0.1%. ये आपकी यू में जो भी आपकी 0.1, ये ट्रांसफार्मर की भी यही है. तो इसको क्या कहते हैं, ईच जनरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ईएमएफ बिहाइंड ए ट्रांजिएंट रिएक्टेंस. ठीक है, तो आप वर्ड्स चेंज होंगे, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ये जनरेटर. ठीक है, तो ये इसकी ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है 0.1. ऑल इंपेडेंसेस आर एक्सप्रेस्ड इन पर यूनिट ऑन कॉमन 100 एमवीए बेस एंड फॉर सिंपलिसिटी रेजिस्टेंस आर निगलेक्टेड. द फॉलोइंग अजम्पशंस आर मेड. शंट कैपेसिटेंस आर निगलेक्टेड एंड द सिस्टम इज कंसीडर्ड ऑन नोल. देखिए, कोई भी लोड शो नहीं किया गया कि इसका मतलब है लोड करंट जो है दैट इज जीरो, नो लोड कंडीशन आपको रिप्रेजेंट की गई है. ऑल जनरेटर्स आर रनिंग एट देयर रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी विद देयर ईएमएफ इन फेज. ठीक है, डिटरमिन द फॉल्ट करंट, द बस वोल्टेजेस एंड द लाइन करंट्स ड्यूरिंग द फॉल्ट व्हेन द बैलेंस थ्री फेज फॉल्ट विद द फॉल्ट इंपेडेंस ZF इज इक्वल टू 0.16 pu occurs on bus number 3, 2 and 1. ये आपको वैल्यू जो है वो ZF दी गई है. अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे फॉल्ट आया है बस नंबर 2 पे, तो हम इसको ग्राउंड करेंगे विद इम्पीडेंस ये आ गया, ये फॉल्ट कंडीशन ऐसे बनेगी, तो ये यहाँ पे ZF जो है वो यहाँ पे आएगा दैट इज इक्वल टू 0.16 pu. ये इस तरह फॉल्ट कंडीशन होती है. यहां तक बात क्लियर है? जी बोलें. हेलो. यस यस सर. यस सर, क्लियर है. ठीक है, तो अब आपने इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे सीखने वाली कि आपने जो है वो वैल्यूज कौन सी यूज करनी है, ट्रांजिएंट, सब ट्रांजिएंट, स्टेडी स्टेट, ये आपको बताया जाएगा. देन आपका बेस एमवीए क्या है ये बताया जाएगा. आरएफ, ZF जो भी रिप्रेजेंट किया गया वो आपको बताया जाएगा. और इम्पोर्टेंट थिंग इज सिस्टम इज कंसिडर्ड ऑन नो लोड. ये हम नॉर्मल अपने सिंप्लिसिटी के लिए यूज करेंगे. तो आगे आते हैं एग्जांपल की तरफ. अभी आपके पास यहाँ पे ये देखें, ये सिस्टम है. इसमें हमने बस नंबर 3 पे एक फॉल्ट डाल दी. ये कौन सा फॉल्ट है? बैलेंस फॉल्ट, थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट. थ्री फेजेस आपके ग्राउंड हो गए. तो हमारी अजम्पशन ये है कि चूंकि हमारा सिस्टम बैलेंस था प्रीवियसली और आफ्टर द फॉल्ट इट स्टिल रिमेन्स इन बैलेंस कंडीशन, सो दैट्स वाई वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन पर फेज एनालिसिस. ठीक है ना. होता क्या, बेसिकली आपके पास ये तीन फेजेस थे, ये बस नंबर 3 पे मौजूद थे. ठीक है, और ये तीनों जो हैं वो शॉर्ट सर्किट हुए हैं. ये तीनों जो हैं वो शॉर्ट सर्किट हुए हैं
and then through some impedance that are grounded. Phases, three phases are grounded. This is your ZF. ये basic ये. तो चूंकि still three phases के साथ same thing is happened has happened, तो so that's why we call it a balance fault. और अभी आपका जो current यहाँ पे होगा वही current वहाँ पे, तो तीनों phases में होगा, just only the phase difference. So that's why we call it a balance fault. ठीक है, तो इसको हम represent कर रहे हैं, now we are representing it a per phase analysis. पर फेज बेसिस में हम इसको एनालाइज करेंगे. तो फिगर है जो है, फिगर्स को आपने गौर से देखना है, ये आपके साथ जो है वो चलेंगी आगे. डिफॉल्ट इज सिमुलेटेड बाय स्विचिंग एन इंपीडेंस ZF एट बस नंबर 3. अब हमने देखना है इसको थेवेनाइज करना, ठीक है. So according to the Thevenin theorem, that says that the changes in the network voltages, network voltage caused by the added branch कौन सी है आपके पास? Default impedance, ये branch आपने add की है, ठीक है जी? Is equivalent to those caused by the added voltages, ये आपके पास जो voltage बनेगी V3, ठीक है? V3, हम इसको इस तरह कह देते हैं V30. ठीक है, विद ऑल अदर सोर्सेज शॉर्ट सर्किट एज शोन इन फिगर 9.2. अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं, ये इस पॉइंट पे हम, ठीक है. तो थेवेनिन थेवेनाइज में क्या करते हैं आप सर्किट में, कि थेवेनिन से जब आप देखते हैं बिहाइंड सर्किट, जो भी सर्किट होता है उसमें हम उसकी इम्पीडेंसेस को रिटेन करते हैं, और जो वोल्टेजेस वोल्टेज सोर्सेज होते हैं दैट आर शॉर्ट सर्किटेड, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और आपके पास एक नेटवर्क ब्रांच जो है वो बन जाती है. अब चूंकि मैंने अभी आपको प्रीवियसली भी बताया कि दिस इज ए ग्राउंड, तो अब हम जब इसको शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक इम्पीडेंस बच जाएगी J0.2. अब ये J0.2 कहाँ से आया, मैं प्रीवियसली जाके एक दफा आपको दोबारा बता देता हूँ. ये देखें J0.2 ये J0.2 ये ऐसे था, ये जनरेटर की रिएक्टेंस थी, देन ट्रांसफार्मर, तो ये 0.1 और 0.1 J0.2 यहाँ से आया, ठीक है. इसी तरह यहाँ 0.4 है, तो ये इससे परेशान नहीं है. तो अब आपके पास ये 0.2 ये बस नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है, और इस बस को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, सॉरी सोर्स को, तो 0.2 अब आप यहाँ पे मौजूद हैं, और इसी तरह ये 0.8, 0.4, 0.5 का रिएक्टेंस जो है वो अपनी जगह पे आ गई है. यहाँ से हम देख रहे हैं, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या मतलब है, यहाँ पे जो वोल्टेज है V30, ठीक है, इस जगह से देख रहे हैं, और बाकी इसके बाद जो भी नेटवर्क हो, जैसे फर्ज किया मैं एक सिंपल सा नेटवर्क बना देता हूँ, ये एक मैं एक नेटवर्क बना देता हूँ, ताकि थेवेनिन आपको मैं रेजिस्टेंसेस लगा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, अब आप इसको जब थेवेनाइज करेंगे ये सर्किट है, और अगर आप यहाँ से इसको थेवेनाइज करते हैं इस पॉइंट से देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये है, तो देन हाउ विल यू ड्रॉ द सर्किट, इसको जो है वो आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये आपके पास रेजिस्टेंस, देन दिस, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी इस तरह, ठीक. अब आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज प्रेजेंट होती है उसको आप कहते हैं V7. तो अल्टीमेटली आप क्या सर्किट ड्रा करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स V7, ठीक है जी, ये आपके पास ये इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, और ये आपके पास उसमें ब्रांच की शामिल नहीं थी, ये आपके पास सिंपल सर्किट बन जाए, ठीक है. तो अगर आप इसको वैसे बनाना चाहें, ये और ये दोनों पर इनको अब आप सॉल्व,
ये आप इस तरह का सिंपल, तो अभी हमने थेवेनाइज करना है इसको, तो यहाँ पे मौजूद है ठीक है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क जो है वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपने इसको ये वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है। एंड देन इट इज ए फॉल्ट करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है I3, और ये स्विच रिप्रेजेंट किया है दैट रिप्रेजेंट क्लोज आर ओपन फॉल्ट कंडीशन आर अनफॉल्टेड कंडीशन, और ZF जो है 0.16। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? अभी हम इसको सॉल्व करने लगे, नेक्स्ट इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं थ्री फेज उसमें पर फेज एनालिसिस में, तो सबसे पहले इस डेल्टा को वायर में कन्वर्ट करना है। तो वो आपके पास बेसिक फार्मूला जो है वो जो मैंने यहाँ पे जस्ट आपके रेफरेंस के लिए ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। टू फाइंड द थेवेनिन इम्पीडेंस वी कन्वर्ट डेल्टा फर्स्ट, ये स्टेप आपने करना है। डेल्टा जरूरी नहीं हर जगह आपको डेल्टा स्टार डेल्टा मिले, ये जो भी कंडीशन होगी 1, 2, 3 बस डेल्टा बना रहे हैं इसको हमने सॉल्व करना है। डिफॉल्ट करंट इन एट बस नंबर 3, अब यहाँ से देखें कि फॉल्ट करंट क्या है ठीक है। तो फॉल्ट करंट इज V3 0 डिवाइडेड बाय इस जगह पर इसके साथ जितनी इम्पीडेंस है। तो अब आप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ग्राउंडेड कंडीशन है ऊपर, या गौर से देखने की चीज, ये ग्राउंडेड कंडीशन है और यहाँ पे एक इम्पीडेंस आई ठीक है। देन आपके पास सोर्स आएगा, देन एक और इम्पीडेंस आएगी और वो भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपस में ये पॉइंट काम ठीक है। तो अगर आप ये देखें, ये आपके पास V3 है, ये एक इम्पीडेंस जो नहीं आएगी, टोटल इम्पीडेंस ऑफ द नेटवर्क जो थेवेनिन इम्पीडेंस जिसको आप कहेंगे थेवेनाइज करते हैं, जब अभी हमने प्रीवियसली ये जो सर्किट को थेवेनाइज किया है ये सारा ये पॉइंट ये, तो ये इम्पीडेंस जो आपके पास बनी थी वो ये बनी थेवेनिन। तो ये आप इसको लिख सकते हैं कि V3 इज इक्वल टू I into Z, इसको हमने नाम दिया Z33। दैट मींस कि 3 के साथ जितनी इम्पीडेंस, जैसे आप Y11 कहा था ना आपने कि 1 बस के साथ जो एडमिटेंस कनेक्टेड, यहाँ पे Z3 के साथ जितनी इम्पीडेंस कनेक्टेड है दैट इज Z33 प्लस ZF। तो यहां से आप फॉल्ट करंट की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। वेयर V30 इज द थेवेनिन वोल्टेज और द प्री फॉल्ट बस वोल्टेज, तो बस फॉल्ट से पहले यहाँ पे क्या वोल्टेज थी, क्योंकि आपको पता है कि द ड्राइविंग फोर्स इज EMF, जो करंट को ड्राइव करती है दैट इज एन EMF। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज देखी है, यहाँ पे वोल्टेज क्या थी। दिस एग्जाम्पल सिंस द लोड्स आर निग्लेक्टेड एंड द जनरेटर EMFs आर रिज्यूम्ड इक्वल टू द रेटेड कंडीशन, कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं था तो हर बस पे वोल्टेज जो है दैट विल बी 1 PU ठीक है ना। ये आपके लिए आसानी है, जब हम फॉल्ट करंट को इतने कंसिडर नहीं करते तो उसमें इसका मतलब ये होता है कि दे प्री फॉल्ट वोल्टेज एट एनी बस इज इक्वल टू 1 PU 1.0 PU। सो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू 1 PU ठीक है। और Z33 इज द थेवेनिन इम्पीडेंस व्यू फ्रॉम द फॉल्टेड बस। अब हम आते हैं सर्किट, ये मैंने प्रीवियस सर्किट स्क्रीन के साथ ड्रा की, ये दो मुख्तलिफ फिगर्स मुझे एग्जैक्ट याद नहीं 9.3 और 9.4 फिगर्स हैं शायद, तो ये हमने किया, तो मैंने इसके साथ ही इसकी कैलकुलेशन कर ली तो सबसे पहले आपने इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये अभी हमने प्रीवियसली बता दिया। ये देखें ये डेल्टा है और ये स्टार है, तो पी जो है इस पॉइंट पे वन के साथ जो इम्पीडेंस लगी हुई है दैट इज इक्वल टू जो उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है और सम ऑफ द ऑल ए इंटू बी
डिवाइडेड बाय सम ऑफ r. अब जो 3 है दैट इज इक्वल टू b इनटू c r, r जो है दैट इज इंपीडेंस r जो है दैट इज इक्वल टू b इनटू c प्लस सम ऑफ r. तो इसी तरह करते हुए आपने इस स्टार को डेल्टा को इस स्टार में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया. ठीक है जी. फिर उसके बाद आप ये देखें ये दोनों सीरीज में जे 0.2 जे 0.2 ठीक है जे 0.4 हो गया और ये 0.4 नहीं कोई गलती नहीं. ठीक है तो ये अब आपके पास एक मिनट यहाँ पे तो ये आपने एक निकाली इम्पीडेंस दैट इज कनेक्टेड बिटवीन द बस नंबर 1. तो ये कैसे आएगी जे 0.8 मल्टीप्लाई बाय जे 0.4 ये निकाली हुई है ये डिवाइडेड बाय 0.8 प्लस 0.4 प्लस 0.16. तो ये आपके पास इम्पीडेंस जे 0.2 आ गई है. इसके बाद बस नंबर 2 पे जो लगी जे 0.2 ये कैसे आई 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.4 ठीक है डिवाइडेड बाय जे 1.6. इसी तरह ये आपके पास 3 कैसे आई 3 जो है वो आपके पास आई 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 ये जो निकाला हुआ है ये निकाला हुआ है डिवाइडेड बाय 1.6 जे 0.1. ठीक है तो ये आपने ये तीनों कैलकुलेट कर ली ये जे 0.1 और जे 0.2 ये आपने तीनों जब कैलकुलेट कर ली तो अब आप देखते हैं कि आपके पास और सिंप्लीफाई कैसे होता है. इन दोनों को सीरीज में ऐड करें 0.4 प्लस 0.2 0.1 मैं जे नहीं लिख रहा साथ आप समझ लें जे लिखा हुआ 0.6. ठीक है जी. अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं. ठीक है ये 0.4 और 0.6 इन दोनों को सॉल्व करें ये जो है वो 0.4 और 0.6 ये दोनों यहाँ पे इस जगह पे सॉल्व हैं दैट इज जे 0.2. ठीक है तो अब आपके पास जे 0.24 इम्पीडेंस आ गई और ये फिर सीरीज में इस जे 0.1 के जे 0.1 की सीरीज में ऐड कर दें जे 0.34. तो इस बस नंबर 3 पे जो पूरा नेटवर्क था यहाँ पे आपने उसको थेवेनाइज कर दिया. ठीक है ना जिस पॉइंट से देख रहे होते हैं उसके बाद बाद जो है इम्पीडेंसेज होती हैं विद वोल्टेज सोर्सेज शॉर्ट सर्किटेड और करंट सोर्सेज ओपन सर्किटेड ये आपने थेवेनाइज कर दिया है. ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे जिसको आप कहते थे जेड थेवन. यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया है बस के साथ बस जेड 33 ये सॉल्व होके 0.34 ये आ गया. ठीक है अब आपके पास सर्किट जो है वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो गया है. तो अब आप इसका सॉल्यूशन जो है करंट निकाल सकते हैं. तो I3 इज इक्वल टू फॉल्ट वोल्टेज वी थेवन जिसको हमने कहा दैट इज 1 PU ये 1 PU है डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय दीज इम्पीडेंसेस. तो आपको पता है कि ये देखें अब ये सर्किट क्यों बनाते हैं मैं चाहता हूँ कोई कन्फ्यूजन ना हो वैसे पॉइंट की वजह से रहे ना. एक इम्पीडेंस इधर लगी हुई है और एक इम्पीडेंस दूसरे टर्मिनल पे लगी हुई है और ये भी ग्राउंडेड है और ये भी ग्राउंडेड है. ये देखें दोनों ग्राउंडेड हैं तो दैट मीन बोथ पॉइंट्स आर कॉमन. ठीक है तो अब आप इसको ऐसे बना सकते हैं ये सिंपल सर्किट बन गया. इसको अब आपने सॉल्व कर लिया इसमें जो करंट की वैल्यू आई है -J 2.03 ये फॉल्ट करंट की वैल्यू है ये आपने I3F जो है वो कैलकुलेट कर लिया. अब मुख्तलिफ और पैरामीटर्स मुख्तलिफ ब्रांचेस में करंट्स पर वो भी देखते हैं. अब इसका मतलब ये हुआ कि गौर से देखें जरा ये कि यहाँ पे ये करंट फ्लो कर रहा है मीन्स यहाँ पे ये करंट फ्लो कर रहा है ये लेके आए यहाँ पे ये करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे अब ये करंट इधर से भी कंट्रीब्यूट होगा. ये एनालिसिस के लिए हमने अपने सोर्सेज शॉर्ट सर्किट किए हुए मौजूद है वहाँ इधर से भी कंट्रीब्यूट होगा इन दोनों पाथ से जो है वो कंट्रीब्यूट होगा फॉल्ट करंट. ठीक है तो टोटल फॉल्ट करंट विल बी द समेशन फ्रॉम दिस ब्रांच और समेशन फ्रॉम दिस ब्रांच. तो अगर आप इसको आसानी के साथ स्टार में देखें ये हम ये नेटवर्क यूज करें तो ये आपको ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में करंट देगा.
तो अभी हमने ये करंट भी निकालना है और ये करंट सिंपल करंट भी इन रूल से कि दो करंट एक करंट जो है वो डिवाइड कैसे होता है दो ब्रांचेस। ये अगर आप फिगर देखें ये तो ये आपके पास ये अभी हमने करंट निकाल लिया टोटल फॉल करंट जे 2.0। अब इस ब्रांच से कैसे करंट वन जनरेटर की तरफ से और जनरेटर नंबर टू की तरफ से करंट आपके पास कैसे आएगा, तो ये 0.2 0.2, ये 0.4, सॉरी ये इस तरफ रिएक्टेंस है 0.4 और इस तरफ रिएक्टेंस है 0.6। ठीक है, तो सिंपल रूल क्या होता है करंट वीएन का कि आई लेट्स सपोज 1 इज इक्वल टू आई इनटू जेड 2 जो दूसरी ब्रांच की इंपेडेंस होती है डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। ठीक है, इसी तरह अगर आप I2 निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू I इंटू Z1 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। ये आपके पास सिंपल रूल होता है, तो इसी रूल को यूज करें। अब IG1 में करंट निकाल IG1 करंट निकाल रहे हैं तो दैट मीन्स कि टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय द अदर ब्रांच इंपेडेंस डिवाइडेड बाय 0.6 प्लस 0.4, ये 0.6, ये आपके पास माइनस जे 1.2 आ गया और ये आ गया आपके पास जे माइनस जे 0.8। ये दो करंट मिलके टोटल करंट जे 2 बनाते हैं, तो इसकी कंट्रीब्यूशन जनरेटर 1 की जो है वो 1.2 है और 0.8 है जनरेटर 2। क्यों है देखें, अगर गौर से देखें ओरिजिनल फिगर पे जाएं अगर आप ये देखें तो इसके पास की रिएक्टेंस ज्यादा है, इसके पास की रिएक्टेंस कम है, इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो IG1 को देखें IG1 की कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा है और IG2 की कंट्रीब्यूशन जो है वो कम। अब बस वोल्टेज कैसे चेंज होती है, the bus voltage change during the fault are obtained by the superposition of the pre-fault bus voltages and the changes in the bus voltages caused by the equivalent EMF connected to the bus. ये जो हमने connected to the fault voltage जो है वो हमने इसको show की, तो ये that is equal to zero। तो अब इसमें देखें कि इस तरफ यहाँ पे current क्या है, ये भी हमने निकाला J1.2, तो यहाँ पे इस branch में करंट क्या है 1.2 माइनस जे 1.2 मल्टीप्लाई बाय दिस इंपेडेंस, ये आपके पास वोल्टेज चेंज लाएगा, ये एक्स्ट्रा करंट क्या है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0.24 PG। उसी तरह दूसरे वाले उसमें आपके पास क्या है करंट क्या है? जो आपके पास वोल्टेज क्या है 0.4 और आपके पास इसको हमें बेसिकली दूसरी फिगर पे जाना चाहिए था, ये 0.2 और 0.1, ये इम्पीडेंसेस हम जनरेटर की इम्पीडेंसेस देख रहे हैं जो उसके आगे, तो इन इन में करंट देखें कि क्या क्या फ्लो कर रहा है, वो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो है वो निकाल, तो ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हमने 1 PU कंसिडर किया था तो इसमें करंट देखें कि इसमें जो है वो वोल्टेज ड्रॉप क्या है फॉल्ट करंट की वजह से, ये देखें 0.16 मल्टीप्लाई बाय जे माइनस जे 2 टोटल करंट है और माइनस 1, ये आपके पास यहाँ पे चेंज। अब इस चेंज को 1 PU में जो है वो ऐड कर दें, ठीक है, इस चेंज को 1 PU में ऐड कर दें तो आपके पास जो है वो टोटल जो न्यू बस वोल्टेजेस हैं वो आपके पास आ जाएंगी। तो इनिशियली दैट वाज V10 दैट वाज 1 PU, ये सारे 1 PU थे, तो इसमें जो चेंज है वो आप ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा ये बस वोल्टेज। ठीक है, ये आपने बस वोल्टेज ऐसे कैलकुलेट कर दिया। अब फॉल्ट करंट इन ईच लाइन, तो सिंपल फॉल्ट करंट इन ईच लाइन अगर आप देखते हैं, अब फिगर में वो फिगर लेके आता हूँ यहाँ पे साथ।
तो ये तो आपने वोल्टेज चेंजेस निकाल ली। अब यहाँ पे ये करंट जो है ये माइनस ये 1.2 है, ये करंट जो है यहाँ पे माइनस जे 0.8 है। अच्छा, अब आपने देखना है कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इस ब्रांच में करंट फ्लो करवाने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको वोल्टेज पता है V1 और V2, ठीक है। दरम्यान में आपको इन द मिडल दैट इज इम्पिडेंस दैट इज 0.8। तो I12, बल्कि ये लिखा, ये लिखो I12 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय Z12 ड्यूरिंग द फॉल्ट है, तो F साथ आ रहा है। तो V1 जो है वो आपके पास 0.76 है और V2 जो है वो 0.68 है। तो ये आपके पास दरम्यान में इसके जो इम्पिडेंस है दैट इज 0.8। तो ये आपके पास करंट आ गया 1 और 2 के दरम्यान कितना करंट फ्लो कर रहा है। इसी तरह I13, यू नो द V1 एंड V3 डिवाइडेड बाय J0.4। इसी तरह I23, V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय J0.4। ये सारी वोल्टेज करंट जो है वो आपने कैलकुलेट कर, सिंपल एनालिसिस है, कोई इसमें वो प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। जस्ट आपको थेवेनाइज करना आ जाए वो आपको जरूरी है। अब यहाँ पे देख लें, ये आपके पास आ गया फॉल्ट। आप बस नंबर 2 पे फॉल्ट लगाया, बस नंबर 2 पे, तो बस नंबर 2 पे हमने जो है वो इम्पीडेंस कनेक्ट करके ग्राउंड कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद ये आपके पास जो है वो थेवेनिन सर्किट बना दिया आपने। अब इसको थेवेनाइज करना है। उससे पहले आपने सारे दोनों वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट सर्किट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज जो आपने इंट्रोड्यूस कर दिए जिस पॉइंट पर मौजूद है, पहले यहाँ पे किया था, अब आप बस नंबर 2 पे। तो अब आप इसको थेवेनाइज करें। कैसे थेवेनाइज करेंगे, ये देखें। अब ये जो है ये आपके पास कॉमन पॉइंट अभी है, ठीक है। तो ये दोनों अगर आप इस पॉइंट इन इस जगह को देखते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये आपके पास 0.8 है और नीचे आपके पास 0.4 है और ये बस नंबर 3 है। और जस्ट आपको सर्किट रीड्रॉ करना आता हो ये देख, तो ये दोनों आपस में आप सीरीज में, ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है 3 पॉइंट, जस्ट यहाँ से आ रहा है और ये देखें, ठीक है। तो ये 0.4 और 0.4, 0.8 हो गया और 0.8 और 0.8 पैरेलल में है, तो आपके पास हाफ रह गया 0.4, ये आपके पास 0.4, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये दोनों आप देखें यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों सीरीज में, तो 0.2 और 0.4, ये आपके पास आ गया 0.6 और ये इस तरह बन जाएगा 0.6 और ये दूसरे वाला 0.4, 0.4 और 0.6, ये भी ग्राउंड के साथ है और ये भी ग्राउंड के साथ है और ये कॉमन पॉइंट है इनका नोड आ गया। तो ये दोनों आपस में पैरेलल में आ गए, ठीक है। तो 0.6 और 0.4 को पैरेलल में सॉल्व करें, आपके पास आ जाता है 0.24, ये आप 0.2, ठीक है। तो अब आपका सिंपल सर्किट आखिर में रह गया, थेवेनाइज कर लिया आपने। तो थेवेनिन वोल्टेज आपकी ये आ गई, फॉल्ट वोल्टेज दिया हुआ है। तो जस्ट सिंपल IF जो है वो वोल्टेज एट द बस, प्री फॉल्ट वोल्टेज एट द बस, वी थेवेनिन जिसको कहा, V2 जीरो का, दैट इज डिवाइडेड बाय द दो बोथ इंपीडेंस 0.24 इन सीरीज विद द 0.16, ठीक है। ये आ गया फॉल्ट करंट आ गया जे -J2.5। इसी तरह अब ये देख लें कि यहां से कितना कंट्रीब्यूशन है और इस ब्रांच से, और इस ब्रांच से कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इस ब्रांच से 0.4 है और ये ब्रांच 0.6, ठीक है। तो दोनों का सम 0.4 प्लस 0.6 आ गया। तो इसमें जब करंट निकालेंगे तो 0.4 डिवाइडेड बाय 1, तो IG1 की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी और IG2 की कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए 0.2 डिवाइडेड बाय 1, ये देखें 1.4 प्लस 0.6 1 आ गया टोटल इम्पीडेंस। ये आपके पास अब जो है वो IG2 की कंट्रीब्यूशन है और ये आपके पास IG1 की कंट्रीब्यूशन। अब आप गौर से अगर देखें तो इस पाथ में आपके पास ज्यादा रिएक्टेंस आ रही है, इस पाथ में अब आपके पास रिएक्टेंस कम आ रही है,
ठीक है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन आई जी टू की ज्यादा होगी और आई जी वन की जो है वो कम होगी। उसी तरह अब आप चेंज इन द वोल्टेज निकालें, ठीक है, तो ये अब ये जीरो पोटेंशियल पे है, तो दैट मींस कि इधर जो है करंट आप निकाल लें जे 0.2 मल्टीप्लाई बाय दिस करंट, ये कौन सा है आई जी वन करंट, आई जी वन कितना है माइनस जे वन, तो 0 माइनस 1 जीरो माइनस ये कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ये चेंज आ जाएगी, इसी तरह जीरो के साथ ये चेंज आ जाएगी, ये आप निकाल लें आई जी टू की वजह से जो करंट की वजह से आ रही है दैट विल बी 0.6, और इसी तरह चेंज इन द वी थ्री, और वी थ्री निकाल लें आप 0.4 आ गया आपके पास, ठीक है, तो ये आपका जो है वो ये वोल्टेज तो आ गई 0.2, ये आपके पास आ गई, अभी आपने ये निकाल ली, ठीक है, ये बस नंबर वन पे है और थ्री वाले की के साथ, अच्छा ये ग्राउंड के साथ है, तो ये आपके पास माइनस आप जो करंट है उसमें फ्लो करेगा ये आई जी वन का, ये ठीक होगी, तो ये प्लस इसकी जो इम्पीडेंस है जो 0.4 ये आपके पास है, तो ये टोटल जो चेंज आएगी दैट इज -0.4, ठीक होगी, ये आपके पास तीनों वोल्टेज चेंजेस आएंगी, तो अब आप इसको 1 PU में ऐड कर दें, ठीक है जी, ये 1 PU में ऐड कर दें, ये आपके पास 1 PU आ गया प्री पार्ट वोल्टेज बिकॉज देयर इज नो लोड ऑन द सिस्टम एंड ऑल मशीन आर रनिंग एट देयर रेटेड कंडीशन, तो ये आपके पास 0.8 PU, 0.4 PU और 0.6 PU आ गया। इसी तरह शॉर्ट सर्किट करंट जो है I12, I13 और I32, इसी तरह आपने निकालना है I12, जस्ट आपके पास तीनों वोल्टेजेस मौजूद हैं, तो तीनों वोल्टेजेस जब मौजूद होती हैं तो आप दो का डिफरेंस आप वन और टू का मतलब है इन दोनों के दरमियान इम्पीडेंस क्या है I1 और 2, यहाँ पे भी वो फिगर जो है वो दोबारा लानी पड़ेगी, ये 1 और 2, 1 की वोल्टेज भी आपको पता है, 2 की वोल्टेज भी पता है, और ये आपके पास होगी, ठीक है, क्योंकि ये इम्पीडेंस डबल होगी थी, तो लास्ट हमने ये पाथ ये बन रहा था, तो इसलिए इसको डिवाइडेड बाय 2 किया था, तो अब आप यहाँ पे देखें V1 क्या है और V2, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 0.8, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 0.8 ये आ गया, इसी तरह V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 0.4, और इसी तरह V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 0.4, ये तीनों वोल्टेजेस जो है वो आपके पास आ गए, ये सिंपल एनालिसिस है, इसमें कोई भी मसला नहीं है, जस्ट आपको सर्किट थेवेनाइज करना हो, फॉल्ट बस नंबर वन पे आया है अब, ठीक है, तो अब इसको थेवेनाइज करना है, सिंपल है, यहाँ पे भी ये देखें फॉल्ट की कंडीशन अब बस नंबर वन पे रिप्रेजेंट हुई है, ये दोनों आपके पास सीरीज में, ठीक है, और ये उसके साथ शंट में, तो दोनों को ऐड करें 0.4, 0.4, 0.8, 0.8 और 0.8 पैरेलल में, 0.4 आ गया, ये देखें 0.4, ये दोनों जीरो सीरीज में, 0.4 प्लस 0.4, 0.8 और इन पैरेलल में 0.2, ठीक है, तो ये सॉल्व किया 0.16, ये थेवेनाइज हो गया आपके पास, अब आपका कंप्लीट सर्किट बन गया, आपने फॉल्ट करंट जो है वो निकाल लिया, ये सारा वही रिपीटिशन है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप यहाँ पे ना देख सकें, ठीक है, उसी तरह ब्रांचेस में जीरो वो ग्राउंड के साथ है, ग्राउंड के साथ है, और ये चूंकि जो बस नंबर 3 होती है आपके पास दैट इज नॉट कनेक्टेड टू द ग्राउंड, ये 3 है, 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इसका वोल्टेज चेंज इस बस की वजह से जो आता है दैट इज ये, और चूंकि आपके पास ये पाथ में 2 पाथ से आता है 0.4 0.4, ये करंट 0.625 दो ब्रांचेस से आ रहा है, तो आप डिवाइड कर लें, ठीक है, तो ये आपके पास चेंज आएगी 0.375। अब आप कोई 1 PU में ऐड करें इनको, ये आपके पास वोल्टेजेस आ जाएंगी और शॉर्ट सर्किट करंट डिफरेंट ब्रांचेस वही वोल्टेजेस डिफरेंस डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस जो भी कनेक्ट।
ये टोटल अब आपका जो था वो सर्किट जो हमने इसको एनालाइज किया है, द थ्री पाथ बस वोल्टेजेस आर ऑब्टेंड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द पावर फ्लो सॉल्यूशन। एंड बेसिक जो आइडिया था वो क्या था कि आपने आपने जो अभी एग्जांपल की है, द लोड करंट्स वर निग्लेक्टेड एंड ऑल द प्री फॉल्ट बस वोल्टेजेस वर एज्यूम टू बी इक्वल टू 1 pu। फॉर मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन द प्री फॉल्ट बस वोल्टेजेस कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम द पावर फ्लो सॉल्यूशन। अभी हमने कोई भी पावर फ्लो सॉल्यूशन नहीं किया, हमने जस्ट एज्यूम किया है कि लोड जो है वो कनेक्टेड नहीं है और आपके पास जो है वो बस पे वोल्टेज जो है वो दैट इज 1 pu। अगर आपने इसका एग्जैक्ट जो रिजल्ट निकालना है वो, तो फिर आप क्या करेंगे कि इस सिस्टम का पहले जो है वो आप लोड फ्लो एनालिसिस करेंगे। जब लोड फ्लो एनालिसिस कर गए तो आपको पता है कि लोड फ्लो एनालिसिस का फर्स्ट रिजल्ट इज द बस वोल्टेज एट एवरी एवरी नोड, जो वोल्टेज आती है वो आपने कैलकुलेट करनी थी, तो देन यू विल यूज दैट बस वोल्टेज। लोड यहाँ पे जो है वो आपके पास स्पेसिफाइड होते हैं और लोड करंट्स आर अननोन। नॉर्मली जो है ये आपने प्रीवियस में उसमें चैप्टर में भी मेरे ख्याल में ये आपने एनालिसिस किया होगा, उसमें जब हम ट्रांसमिशन लाइन के चैप्टर्स जो हैं उनमें ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, लेकिन अभी हम यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि हम इसको इतना डिस्कस करें। एक तरीका ये भी है कि आप जो अगर लोड करंट को इंक्लूड करना चाहते हैं फॉल्ट एनालिसिस में, देन इट इज वेरी हेल्पफुल टू एक्सप्रेस द लोड बाय द कांस्टेंट इंपेडेंस इवैल्यूएटेड द प्री पास बस वोल्टेज। ठीक है, तो आपसे ये लीनियर करंट इक्वेशन आ जाएंगी और तब आप उनको आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर लेंगे। और ये प्रोसीजर जो है नॉर्मली ये जो अभी आप स्लाइड्स हैं ये आपको वही प्रोसीजर सारा जो है वो दोबारा बता रहा है कि ये सारा प्रोसीजर जो है वो इन स्टेप्स पे अभी हमने किया है। थेवेनिन अप्लाई किया है, थेवेनाइज किया सर्किट को, देन सिंपल सर्किट कैलकुलेशन से हमने वोल्टेज चेंजेस करंट एंड डिफरेंट ब्रांचेस कंट्रीब्यूशन ऑफ द करंट थ्रू आउट बाय द ईच जनरेटर, ये हमने सारी कैलकुलेशन परफॉर्म की। तो ये बेसिक एनालिसिस है, थ्री फॉल्ट एनालिसिस जो हमने अभी परफॉर्म किया है, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जी, इसी तरह की एक एग्जांपल जो है वो जो जो मैंने अभी स्लाइड छोड़ी है, अगर आप उनको देख लें एक दफा, अगर आपको समझना है तो उसमें भी मैं करा दूंगा, लेकिन वो चूंकि दूसरी बुक से थी थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो मैं नहीं चाह रहा था कि आपके लिए कोई कंफ्यूजन।